हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डबल कलर का निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं, 2 मल्टीपल + 2 एज फंदे। बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। फर्स्ट रो मैंने यहाँ से बनाई है, सेम ऐसा ही आपको फर्स्ट रो से मैं यहाँ पर बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। राइट साइड से बनाएंगे हम फर्स्ट रो। ये हमारा एज फंदा है। इस फंदे को मैं यहाँ पर सीधा बना रही हूँ, सीधा बनाएंगे, सीधा। राइट साइड से सभी फंदे आप सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, राइट साइड से फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया। रॉन्ग साइड से बनाएंगे हम सेकेंड रो। ये हमारा एज फंदा है। इस फंदे को यहाँ पर मैंने उल्टा बनाया। अब धागे को करेंगे हम पीछे, सीधा बनाएंगे, रॉन्ग साइड से सभी फंदे हमने सीधे बनाने हैं। सीधे बनाकर इसे हम कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से बनाएंगे हम थर्ड रो। ये हमारा एज फंदा है, इसे मैंने सीधा बनाया। धागे को हम करेंगे अपनी साइड, उल्टा बनाएंगे। थर्ड रो में सभी फंदे राइट साइड से आपने उल्टे बनाने हैं। इसे उल्टा बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से बनाएंगे हम फोर्थ रो। ये हमारा एज फंदा, इसे हमने उल्टा बनाया। अब रॉन्ग साइड से आपने सभी फंदे उल्टे ही बनाने हैं। फर्स्ट और सेकंड रो आपने सीधा बनाना है दोनों साइड से, और थर्ड और फोर्थ रो आपने उल्टा बनाना है दोनों साइड से। इस रो को हम उल्टा बनाकर कंप्लीट करें। राइट साइड से बनाएंगे हम फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में हम अपने कलर को चेंज करेंगे। ये हमारा एज फंदा है। इस फंदे को यहाँ पर मैं बना रही हूँ सीधा, आप इसे स्लिप भी कर सकते हैं। अब हमारे पास दो फंदे हैं, ये डिज़ाइन के फंदे रहेंगे। आपने इस तरीके से सिलाई को लेना है और यहाँ पर इसे आपने सीधा बनाना है और इसको आपने लूज़ रखना है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने ये फंदा लेना है और ये दो फंदे आपने एक साथ लेने हैं और इसे पीछे से बनाते हुए आपने ये देखिए इस तरीके से लाना और इसे लूज़ इतना रखना है। इसको हम निकाल देंगे, फिर रिपीट करेंगे, सीधा बनाएंगे, इसको लूज़ रखेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे हम और इसे आपने सीधा बनाना है। ये देखिए, फिर रिपीट करेंगे, दो फंदे हैं, दो फंदों के बीच में से निकालना है आपने, सीधा बनाएंगे, फिर दो फंदे हम एक साथ लेंगे और इसे पीछे से आपने सीधा बनाना है और इसे इस तरीके से निकाल देना है। फिर रिपीट करेंगे, दो फंदे हैं, सीधा बनाएंगे, अब दो फंदों को हम पीछे से बनाएंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए, और इसे निकाल देंगे। ये देखिए, फिफ्थ रो राइट साइड से हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, फिफ्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बनाएंगे हम रॉन्ग साइड से सिक्स्थ रो। ये हमारा एज फंदा है। इस फंदे को यहाँ पर उल्टा बनाया मैंने। धागे को हम घुमाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे दो फंदों पर ही डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए, ये वाला आपको दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन दिखाई देगा, जहाँ पर ये फंदे आपको ऐसे दिखाई देंगे। ये देखिए, आपने इस फंदे को सीधा बनाना है, फिर धागा अपनी साइड करना है, इस फंदे को आपने उल्टा बनाना है, फिर धागा हम पीछे करेंगे। फिर देखिए, ये धागा आपको इस तरीके से दिखाई देगा, आपने इसको सीधा बनाना है, धागा आगे करेंगे और इसे उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा रॉन्ग साइड से। आपने इसको सीधा बनाना है, इसका ध्यान रखना है। ये सीधा बनाया और ये वाला फंदा देखिए, इसमें ये डिज़ाइन, ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन जो है ये नहीं है इसमें। तो आपने इसको धागा घुमाएंगे और उल्टा बना लेंगे। तो यानी एक फंदा आपने सीधा बनाना है इसमें, ये धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा, धागा करेंगे पीछे। इस तरीके से आप अपनी सिक्स्थ रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से बनाएंगे सेवन्थ रो। ये हमारा एज फंदा, इसे हमने सीधा बनाया। अब देखिए, इस फंदे पर आपने सीधा बनाना है, सीधा बनाकर इसे निकाल देंगे और इसी फंदे में से ही रिपीट फिर से सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे
फिर इस फंदे में से सीधा बनाएंगे, रिपीट करेंगे, सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये फंदा सीधा है, इस पर आपने सीधा बनाना है और इसके पर भी सीधा ही बनाना है इसमें से ही। फिर ये उल्टा फंदा दिखाई देगा, इसमें भी आपने सीधा बनाना है, रिपीट करेंगे, इसी में से ही आपने सीधा बनाना है। ध्यान से देखिए, सीधा बनाएंगे इसमें से, फिर रिपीट, इसी में से ही आपने सीधा बनाना है, फिर सीधा बनाएंगे, ये देखिए, और रिपीट, इसी में से ही आपने सीधा बनाना है, सीधा बनाएंगे, रिपीट, इसमें से सीधा। हर फंदे पर आपने इसी तरीके से करना है, ये देखिए सिक्स सेवन्थ रो में आप इसी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से बनाएंगे हम एट्थ रो, ये हमारा एच फंदा है, इसे उल्टा बनाया हमने। अब देखिए आपने इस फंदे को खोलना है ये ऐसे, फिर ये फंदा लेंगे और आपने इसको खोल देना है। अब आपने ये वाला फंदा लेंगे लेफ्ट में और इस फंदे को राइट में लाते हुए क्रॉस बन गया, अब आपने लेफ्ट में लेना है इसे, इसे बनाना है उल्टा, फिर आपने इसे उल्टा बनाना है, फिर रिपीट करेंगे, फंदे को खोल देंगे, ये देखिए इसको आपने लेफ्ट पर लेना है और इस फंदे को आपने राइट पर लाते हुए उल्टा बनाना है। अब इसे ये देखिए, फिर रिपीट करेंगे, फंदे को खोलेंगे, ये देखिए इसको लेंगे लेफ्ट पर और इसको इस तरीके से इसको लेफ्ट पर लेते हुए उल्टा बना लेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फंदे को खोलेंगे, ये देखिए इसको लेफ़्ट पर लेंगे और इसको निकाल कर इस तरीके से लेफ्ट पर लेते हुए और इसे भी हम सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से एट्थ रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनकर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप फर्स्ट रो से लेकर एट्थ रो तक इसी तरीके से रिपीट करते जाएंगे और आपका ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।